हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक काल की, वैदिक एज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड, जो कि 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। वहीं उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व रहा। इसके अलावा हम लोग पूर्व वैदिक काल में सामाजिक स्थिति, इसकी राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति तथा आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। और इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति तथा धार्मिक स्थिति की बात करेंगे। साथ में हम लोग यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक लिटरेचर के बीच क्या डिफरेंस रहा, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो इन सबको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व रहा। इसमें ऋग्वेद संहिता और परिवार से संबंधित अनेक पाठ शामिल हैं। इसके अलावा साहित्यिक स्रोतों के अनुसार ऋग्वेद की अनेक बातें फारसी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से भी मिलती हैं। ऋग्वेद 10 मंडलों में संगठित है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ग्रत्स्मद, विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, ये सभी नाम ऋग्वेद के मंत्र रचयिताओं के रूप में मिलते हैं। मंत्र रचयिताओं में स्त्रियों के भी नाम मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है लोपामुद्रा, शची, पोलोमी एवं कक्षावृति आदि। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना पंजाब में हुई। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्र कहा गया है। ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहते हैं, जहाँ से औषधियों की जानकारी मिलती है। मंडल 9 में सभी भजन पूरी तरह से सोम को समर्पित हैं। इसी तरह मंडल 10, इसमें नदियों की स्तुति करने वाली नाड़ी सूक्त है। इसमें ऐसे भजन शामिल हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से विवाह और मृत्यु की रस्मों के दौरान गाया जाता है। वहीं पूर्व वैदिक काल को लेकर पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार कस्सी अभिलेख, जो कि 1600 ईस्वी पूर्व मिला, इन अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यों का भारत आगमन हुआ। वहीं इन अभिलेखों में हित्ती राजा सुबविलेमा और मितनी राजा मतियुजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्रना, सत्य आदि का उल्लेख है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। सतलुज से यमुना नदी तक का क्षेत्र ब्रह्मवत्त कहलाता था, जिसे ऋग्वेदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता था। यमुना और सतलुज के बीच जो दोआब क्षेत्र है, उसे ब्रह्मवत्त कहा जाता था और ये ऋग्वेदिक सभ्यता का केंद्र कहलाता था। आर्यों ने हिमालय और विध्यांचल पर्वत के बीच के क्षेत्र पर कब्जा करके उस क्षेत्र का नाम मध्य देश रखा। ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन ऋग्वेद में आया है। इसके अलावा गंगा का 1 बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख आया है। ऋग्वेद में नदियों की कुल संख्या लगभग 25 बताई गई है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीतमा अर्थात नदियों में प्रमुख व नदियों की माता कहकर पुकारा गया है। तो वहीं दूसरा उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 500 ईस्वी पूर्व रहा, इसमें सामवेद की संहिता, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद शामिल हैं। इसे लेकर भी पुरातात्विक स्रोतों तथा साहित्यिक स्रोतों के अनुसार अलग अलग जानकारियां मिलती हैं, जिसमें स्रोतों के अनुसार उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी के स्रोत 3 वैदिक संहिताएं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद ग्रंथ हैं। सामान्यतः लोह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इस संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब क्षेत्र तक था। वहीं इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र तक आ गया था, यानी दिल्ली और गंगा यमुना दुआब का उत्तरी भाग। वहीं 600 ईस्वी पूर्व के आसपास लोग कौशल, विदेह एवं अंग राज्य से परिचित थे।
अब यदि हम पूर्व वैदिक काल की सामाजिक स्थिति की बात करें तो हम देखेंगे कि ऋग वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्रीय जनमूलक था। समाज की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा, नानी, नाती, पोते आदि के लिए एक ही शब्द नप्त्र का प्रयोग होता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था पूर्व वैदिक काल में। और इसी के अलावा विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का भी कोई प्रचलन नहीं था। लेकिन जो कन्या को दहेज उपहार दिया जाता था उसको पूर्व वैदिक काल में वेहतु नाम दिया गया था। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले थे। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्ववारे जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजु कहलाती थी। इसी के साथ आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ऋग्वैदिक काल में सोम और सुरा का प्रचलन था। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन और चर्म के बने होते थे। आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। समाज में 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। एक अनुलोम विवाह, जिसको लोग बहुत अच्छा मानते थे, जिसमें क्या होता था कि उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री, और वहीं प्रतिलोम विवाह जो हेक दृष्टि से देखा जाता था, वहां उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष था। अब यदि हम इसकी राजनीतिक स्थिति की बात करें तो हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वैदिक लोग जनों व कबीलों में विभाजित थे। कबीले का एक राजा होता था जिसे गौप कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीले थे, ठीक है। और वो कबीले कौन कौन से थे? वो कबीले थे अनु, दुहु, पुरु, तुर्वस तथा यदु। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल यानी कि परिवार था। परिवार का मुखिया कुलप या फिर गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामीणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विष बनाते थे, जिसका प्रधान विषपति होता था। विष से जन बनता था, जो कबीलाई संगठन था इसका प्रधान प्रमुख जनपति होता था। यहाँ पे हर चीज़ बहुत श्रृंखलाबद्ध तरीके से थी कि एक छोटी सी इकाई थी कि परिवार से यहाँ पे कुलप जिसको गृहपति कहते थे, और कुलों से क्या होता था कि ग्राम बनता था, गांव बना था। कुलों को मिलाकर गांव बनता था, गांव को मिलाकर विष बना था, विष को मिलाकर एक जन बना था। तो ऐसे ही यहाँ पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से हर चीज़ व्यवस्थित थी। इसी के साथ ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। सभा और विदथ परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती थी, जो राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। विदथ आर्यों की प्राचीन संस्था थी। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित था। बलि एक प्रकार का कर था, जो प्रजा द्वारा अपनी इच्छा से राजा को दिया जाता था। वहीं दशराज्ञ युद्ध जो था वो 10 राजाओं के साथ युद्ध। दशराज युद्ध परूणी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 जनों 5 आर्य और 5 अनार्य के बीच हुआ था। अंत में इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई। अब यदि हम इसकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण एवं कबीलाई थी। पशुपालन प्राथमिक पेशा और कृषि द्वितीयक था। इस काल में गायें को पवित्र पशु माना जाता था और ये विनिमय के साधन के रूप में थी। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है। गाय को अघन्या यानी कि ना मारे जाने योग्य पशु माना जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड या देश निकाले जाने की व्यवस्था थी। पणि नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात था। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। इसके अलावा गायें, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि पशु भी थे।
वहीं ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है। एक ही अनाज यानी कि जौ का उल्लेख मिलता है, जिसे यव कहते थे उस टाइम पर। सोना के लिए हिरण्य शब्द मिलता है। कपास का उल्लेख कहीं नहीं किया गया। अष्टकर्णी नाम से विदित होता है कि ऋग्वेदिक आर्यों को अंकों की जानकारी थी। अय शब्द का भी इस काल में प्रयोग हुआ है, जिसकी पहचान तांबे या कांसे के रूप में की गई है। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो अब यदि हम इसकी धार्मिक स्थिति की बात करें, तो हम देखें कि सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक के प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की तीन श्रेणियां थीं। ठीक है, सभी देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक के रूप में बांटा गया था तीन भागों में, जिसमें पहले जो थे वो थे आकाश के देवता, गॉड्स ऑफ द स्काई, दूसरे अंतरिक्ष के देवता, गॉड्स ऑफ स्पेस, और तीसरे पृथ्वी के देवता, गॉड्स ऑफ द अर्थ। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना गया है। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिन्हें 200 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करना था। तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे, जिन्हें 30 सूक्त समर्पित हैं, जो जलनिधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। वरुण को ज्ञस्य गोपा कहा जाता है। पाषाण ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। रुद्र अनैतिक आचरण से संबद्ध व चिकित्सा के संरक्षक थे। हॉलर ने इन्हें यूनानी देवता अपोलो के समान माना है। रुद्र को कभी कभी शिव और कल्याणकर कहा जाता था। इसके अलावा अदिति अनंत काल की देवी और देवताओं की माँ, बुराई, नुकसान और बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए आह्वान किया गया था। महिला को अदिति कहा गया था। उषा महिला जो थी वो ऋग्वेद के भजनों में भौर की देवी और उनके नाम का लगभग 300 बार उल्लेख किया गया है। तो यदि अब हम उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति की बात करें, तो हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्णों का आधार कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित होने लगा था। इस समय समाज में चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। ब्राह्मण के लिए एही यानी कि आइए, और क्षत्रिय के लिए आगाही यानी कि आओ, वैश्य के लिए आद्रव यानी जल्दी आओ, तथा शूद्र के लिए आधाव मतलब दौड़ कर आओ शब्द प्रयुक्त होते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के जो भी काम थे उनका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, बताया गया है। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले गए राजस्व पर जीते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी यानी कि जिन्हें अच्छी कन्या नहीं माना जाता था, उनका उल्लेख मिलता है। ये हैं गार्गी, गंधर्व, ग्रहिता, मैत्रेय, देववती, काशकृत्स्नी आदि। स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया तथा सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। समाज पितृसत्तात्मक था, जिसका स्वामी पिता होता था। तो यहाँ पे हम अगर बात करें इसको साधारण शब्दों में समझने की, तो हम देखेंगे कि जो वैदिक काल था, पूर्व वैदिक काल में क्या था कि समाज पितृसत्तात्मक तो था, लेकिन वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा थी। राजनीतिक रूप से भी महिलाएँ भाग लेती थीं, सभा में भी भाग लेती थीं। उन्हें कोई भी कुप्रथा का शिकार नहीं होना पड़ा था। उन्हें विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। उन्हें कोई दहेज प्रथा नहीं देनी पड़ती थी। उनकी भागीदारी भी समान थी। उन्हें यज्ञ में बैठने का भी अधिकार था और किसी को कोई विदुषी नहीं माना जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में अब जो व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था लागू हो गई थी, जिसमें क्या था कि लोगों को चार वर्णों में विभाजित किया गया था और उनके काम के आधार पर नहीं, उनकी जाति के आधार पर उन्हें चार वर्णों में विभाजित किया गया, जिसकी जाति के आधार पर उनके काम तय किए गए। कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे उनको तो कर लेना था, कर वसूलना था, वहीं वैश्यों को कर चुकाना था, जिनसे जिस राजस्व से क्षत्रिय और ब्राह्मण अपना जीवन निर्वाह करते थे। इसी तरह जो स्त्रियां थीं शतपथ ब्राह्मण में,
इस कन्याओं को विदुषिका कहा गया और उसमें भी उनके नाम दिए गए कि इन इन कन्याओं को विदुषी कहा गया है। स्त्रियों का जो पैतृक संपत्ति से अधिकार ही छीन लिया गया कि उनके पिता की संपत्ति में स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सभाओं में बैठना वर्जित हो गया था। समाज पितृसत्तात्मक हो गया था जिसका स्वामी पिता होता था। इसके अलावा सर्वप्रथम ज्वालोपनिषद में चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास का विवरण मिलता है। काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ का ज्ञान हो गया था। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा शेष 4 निंदनीय माने जाते हैं। ठीक है, तो प्रशंसनीय विवाह कौन कौन से थे? प्रशंसनीय विवाह में सबसे पहले था ब्रह्म, जिसमें कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा एक योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करना। वहीं दूसरा देव, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर देना। तीसरा था आर्ष्य, इसमें क्या था कि कन्या के पिता द्वारा यज्ञ करने के लिए 1 या 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह कर देना। तो जो प्रशंसनीय विवाह था उसमें जो चौथा विवाह था वो था प्रजापत्य, यानी कि वर, लड़का खुद कन्या के पिता से कन्या का हाथ मांग कर विवाह करता था। वहीं 4 जो विवाह जिनको निंदनीय माना गया, उसमें पहला था आसुर, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या को बेचना। दूसरा था गंधर्व, कन्या और पुरुष दोनों का प्रेम विवाह होना, तो लव मैरिज को निंदनीय माना जाता था। पिशाच, मतलब कोई सोई हुई कन्या है और कोई मतलब उसके साथ ज़बरदस्ती करे और फिर मतलब वे उसके साथ विवाह कर ले। उसके बाद राक्षस, जिसको निंदनीय विवाह माना गया कि बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करना, मतलब कन्या को उठाकर उसका अपहरण कर ले जाना और फिर उससे विवाह कर लेना, इसको निंदनीय विवाह कहा गया। अब यदि हम इसकी राजनीतिक स्थिति की बात करें तो हम देखेंगे कि इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ तथा कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है पहली बार इस काल में प्रकट हुआ। राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। आरंभ में पांचालिक कबीले का नाम था परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। इस काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। इसके अलावा राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, जिसका विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विभाध्यक्ष एवं दरबारीगण आते थे। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ठीक है, वहीं बलि ऋग्वेदिक काल में राजा को दिए जाने वाले स्वेच्छाकारी कर था, जो कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते नियमित कर हो गया। जहां पूर्व वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि बलि जो कर था वो राजा को जो जनता थी वो देती थी, लेकिन अपनी इच्छानुसार देती थी, अपनी मर्जी से देती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये नियमित रूप से दिए जाने वाला कर हो गया कि देना ही देना है, जनता के पास पैसे हो ना हो, उनकी मर्जी हो ना हो चुकाने की, उनको चुकाना पड़ेगा। इसकी मात्रा 1/16 भाग देना था अपनी जो भी संपत्ति का या फिर अपनी ज़मीन का। अब यदि हम इसकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो हम देखेंगे कि इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया। पूर्व वैदिक काल में क्या था कि प्रथम पेशा क्या था? प्रथम पेशा जो था वो पशुपालन था और द्वितीय पेशा जो था वो कृषि था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख किया गया है। इस काल में लोहे से बनी उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्यामय शब्द का प्रयोग हुआ है। लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई और धान प्रमुख फसल बन गई। वहीं अतरंजी खेड़े में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए हैं। निष्क, जो ऋग्वेदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, अब एक मुद्रा माना जाने लगा। व्यापार पण द्वारा संपन्न होता था, अतः उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था।
कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, ऊन का उल्लेख इस काल में मिलता है। सिक्कों का अभी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। इनकी और जो ऋण था उनकी संख्या 3 थी, एक पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। अब यदि हम इसकी धार्मिक स्थिति की बात करें तो हम देखेंगे कि इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। इस काल के दो अन्य प्रमुख देवता रुद्र और विष्णु माने जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में भी कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना द्वाब आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे अब शूद्रों के देवता हो गए थे। सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। और इस काल में दो महाकाव्य भी थे, महाभारत जिसका पुराना नाम जय संहिता था और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और दूसरा महाकाव्य था रामायण। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने वैदिक काल के दोनों चरणों की बात की, वैदिक पूर्व वैदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की। तो अब हम इसके वैदिक काल की सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच अंतर को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी जबकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी। जो वैदिक आर्य हैं उनकी सभ्यता गांव की थी और हड़प्पा सभ्यता की जो व्यवस्था थी वो नगरीय थी। वैदिक आर्य स्वर्ण चांदी तांबा लोहे से परिचित थे जबकि सिंधु सभ्यता के लोग पाषाण यानी कि पत्थर और कांसे से परिचित थे। लेकिन अभी ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे जो सिंधु सभ्यता के लोग थे। वैदिक आर्य जो थे वो बहुदेववाद के समर्थक थे। वहीं वैदिक आर्य यज्ञ करते थे, वे लिंग पूजा मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जबकि हड़प्पा सभ्यता में धर्म का जो स्वरूप था वो अहलौकिक था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के समर्थक थे। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी जिसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी। वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था और उनका परिवार पितृसत्तात्मक होता था, जबकि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, किंतु इनका समाज भी परिवार आधारित था। इसके अलावा ऋग्वेदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था और ऋग्वेदिक आर्य हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे, जबकि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो घोड़े से अपरिचित थे और ये हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। वहीं वैदिक आर्य युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा के लिए कवच और सिर पर हेलमेट का उपयोग करते थे जिसे उस टाइम पे शिरस्त्राण कहा जाता था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।